आज हम बचे हुए चावल से नमकीन राई नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बचे हुए चावल से इस तरह का नाश्ता आपने कभी बनाया नहीं होगा और कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का नाश्ता भी हो सकता है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो बनाना शुरू करेंगे बचे हुए चावल का नमकीन चिवड़ा। 1 कप बचा हुआ चावल है और आप देख सकते हैं ये चावल एकदम छुट्टा छुट्टा है, अलग अलग, एक दूसरे के साथ में चिपका हुआ नहीं है। हमें इस तरह का चावल चाहिए। इस चावल को हम एक डिश में फैला के रख देंगे। इसे हम धूप में रख देंगे 1 दिन के लिए और इसे एकदम सुखा लेंगे और ये सूख के एकदम चावल का दाना जैसा ही हो जाएगा। तो इसे हम धूप में रख देंगे। अगर पूरा दिन धूप नहीं मिले तो इसे आप 1 या 2 घंटा धूप में रख सकते हैं और इसके बाद घर में रख के इसे 2 दिन तक सुखा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। इसी तरह से मैंने चावल को सुखा के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है और ये चावल का दाना के जैसा ही हो गया है। मैंने इसे 2 घंटा धूप में सुखाया था, फिर 2 दिन के लिए इसे घर के अंदर ही रख के सुखाया था। तो इस तरह से ये सूख के रेडी हो गया है। राइस चिवड़ा में डालने के लिए पहले हम पालक की बूंदी बना लेंगे। आधा कप बेसन लिया है मैंने, इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून तेल, 15 से 20 पालक के पान को मिक्सर जार में 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के प्यूरी बना ली है। इसी से हम बूंदी का बेटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। बैटर में लम्स नहीं रहना चाहिए। यह आधा कप पालक की प्यूरी है, पूरा डाल देंगे। पालक के पत्ते अगर बड़े हैं तो आप 10 पान ले सकते हैं और छोटे हैं तो आप 15 तक ले लीजिए और इसकी प्यूरी बना लीजिए। इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए हमें। 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं बैटर पूरा गिर रहा है इस तरह से। बैटर को ढक्कन लगा के 10 मिनट रेस्ट देंगे। एक बाउल में मसाला मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आप नॉर्मल मिर्ची पाउडर ले तो थोड़ा कम डालें। 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेना है, क्योंकि हम चावल में भी नमक डालते हैं तो आप नमक उस हिसाब से डालिए। मैं अभी 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ। मसाला बराबर से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम 2 मिनट बराबर से फेंट लेंगे। बैटर को फेंट लिया है और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर बन गया है। इसी तरह से बैटर गिरना चाहिए। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। देख लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। 1-2 बूंदी गिरा के देखेंगे। तेल गरम हो गया है। गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए धीमी कर लेंगे। गरम तेल के अंदर ही बूंदी डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे बूंदी को फ्राई करेंगे। बूंदी फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक तेल में रखेंगे बूंदी को तो बूंदी का कलर चेंज हो जाएगा।
दूसरी बार तेल में हम बूंदी डालेंगे तो जारा को हमें धो लेना है पानी से और इसे कपड़े से पोंछ के सूखा लेना है। बूंदी हमने फ्राई कर ली है, अभी हम 1/4 कप मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे ही मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है लाइट ब्राउन। हमने जो मसाला मिक्स किया था वही बाउल में हम मूंगफली को डालेंगे। 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल दालिया है ये डालेंगे, इसे भी हम धीमी आंच पे ही फ्राई कर लेंगे। तेल अगर ठंडा हो जाए तो गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाइटली ही फ्राई करना है। इसे भी हम मूंगफली के साथ में ही डाल देंगे। 10 से 15 करी पत्ता है, इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। 1 काजू का 2 पीस करके लिया है, ये 2 टेबलस्पून है, इसे भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सभी चीजें फ्राई करके हमें एक ही बाउल में मिक्स करनी है। बादाम का भी हमने 1 का 2 पीस किया है, ये भी 2 टेबलस्पून है। नट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, काजू बादाम किशमिश आपको जो डालना है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून किशमिश से किशमिश को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करनी है। ये चावल जो हमने सुखाया था ये 1/2 कप है, इसे भी हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये कैसा कुरमुरा की तरह फूल गया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चावल फ्राई कर लेंगे। तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए और इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, फिर अच्छे से फूल जाएगा। 1/4 कप मोटा वाला पोहा लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। तेल को अच्छे से निकाल के ही आप सारी चीजें बाउल में डालिएगा। सारी चीजें फ्राई हो गई है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि बाउल में पहले हमने मसाला मिक्स किया था, वो मसाला बराबर से मिक्स हो जाना चाहिए। 1/2 कप बेसन की सेव डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। पालक की बूंदी हमने बनाई है, 1/2 कप डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पालक की बूंदी नहीं डालनी है तो रेडीमेड तिक्खी बूंदी जो आती है वो भी आप डाल सकते हैं। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी चेवड़ा बन के तैयार हो गया है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये चिवड़ा बहुत ही चटपटा एकदम टेस्टी बना है। आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए।